नमस्कार, यह है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी, और किस्सा कहानी में मैं मंजीत ठाकुर आज आपको सुना रहा हूं हिंदी साहित्य की श्रेष्ठ कहानियों की श्रृंखला में फणीश्वर नाथ रेणु की लिखी कहानी लाल पान की बेगम। क्यों बिरजू की मां, नाच देखने नहीं जाएगी क्या? बिरजू की मां शकरकंद उबालकर बैठी मन ही मन कुड़ रही थी अपने आंगन में। 7 साल का लड़का बिरजू शकरकंद के बदले तमाचे खाकर आंगन में लूट पोट कर सारी देह में मिट्टी मल रहा था। चंपिया के सिर भी चुड़ैल मंडरा रही है। आधे आंगन धूप रहते जो गई है सहुआइन की दुकान पर छुआ गुड़ लाने, सो अभी तक नहीं लौटी। दियाबाती की बेला हो गई, आया जरा लौट के। बागर बकड़े की देह में कुकुरमाछी लगी थी, इसलिए बेचारा बागड़ रह रहकर कूद फांद रहा था। बिरजू की मां बागड़ पर मन का गुस्सा उतारने का बहाना ढूंढ निकाल चुकी थी। पिछवाड़े की मिर्च की फूली गाछ बागड़ के सिवा किसने कलेवा किया होगा? बागड़ को मारने के लिए वो मिट्टी का छोटा ढेला उठा चुकी थी कि पड़ोसी मखनी फुआ की पुकार सुनाई पड़ी, क्यों बिरजू की मां, नाच देखने नहीं जाएगी क्या? अरे बिरजू की मां के आगे नाथ और पीछे पगहिया हो तब न फुआ। गरम गुस्से में बुझी नुकीली बात बुआ के देह में धस गई और बिरजू की मां ने हाथ के ढेले को पास से फेंक दिया। बेचारे बागड़ को कुकुरमाछी परेशान कर रही है। आ हा हा हा, आय हाय हर आय आय। बिरजू ने लेटे ही लेटे बागड़ को एक डंडा लगा दिया। अब बिरजू की मां की इच्छा हुई कि जाकर उसी डंडे से बिरजू का भूत भगा दे, किंतु नीम के पास खड़ी पनभरनियों की खिलखिलाहट सुनकर रुक गई। बोली, ठहर, तेरे बप्पा ने बड़ा हाथ छुट्टा बना दिया है तुझे, बड़ा हाथ चलता है लोगों पर, ठहर। मखनी फुआ नीम के पास झुकी कमर से घड़ा उतार कर पानी भरकर लौटती पनभरनियों में बिरजू की मां की बहकी हुई बात का इंसाफ करा रही थी। जरा देखो तो इस बिरजू की मां को, 4 मन पाट का पैसा क्या हुआ, धरती पर पांव ही नहीं पड़ते। निसाब करो, खुद अपने मुंह से 8 दिन पहले ही गांव की गली गली में बोलती फिरी है कि हाँ, इस बार बिरजू के पप्पा ने कहा है कि बैलगाड़ी पर बिठाकर बलरामपुर का नाच दिखा लाऊंगा। बैल अब अपने घर हैं तो 1000 गाड़ी मंगनी मिल जाएगी। सो मैंने अभी टोक दिया कि नाच देखने वाली सब तो ऑन पौन कर तैयार हो रही है, रसोई पानी कर रही है। मेरे मुंह में आग लगे, क्यों मैं टोकने गई? सुनती हो क्या जवाब दिया बिरजू की मां ने? मखनी भुआ ने अपने पोपले मुंह के होठों को एक ओर मोड़कर ऐठती हुई कहा और बोली निकाल कर कहा, अरे हाँ, बिरजू की मैया के आगे नाथ और पीछे पघैया हो तब ना। जंगी की पुतोहू बिरजू की मां से नहीं डरती, वो जरा गला खोल कर ही कहती है, फुआ सर्वे से तल मिट्टी के हाकिम के बासा पर फूल छाप किनारी वाली साड़ी पहन के तू भी भट्टा की भेटी चढ़ाती ना, तो तुम्हारे नाम से भी 2-3 बीघा धन हर जमीन का पर्चा कट जाता। अबे तुम्हारे घर भी आज 10 मन सोना बंग का पाठ होता, जोड़ा बैल खरीदता, अब फिर आगे नाथ और पीछे सैकड़ों पगैया झूलती। जंगी की पुतोह मुजोर है, रेलवे स्टेशन के पास की लड़की है। 3 ही महीने हुए गौने की नई बहू होकर आई है और सारे कुर्मा टोली की सभी झगड़ालू सासों से एक आध मोर्चा ले चुकी है। उसका ससुर जंगी दागी चोर है, सी किलासी है, उसका खसम रंगी कुर्मा टोली का नाम मिलट है, इसलिए हमेशा सिंह खुजाती फिरती है जंगी की पुतो। बिरजू की मां के आंगन में जंगी की पुतोह की गला खोल बोली गुलेल की गोलियों की तरह दंदनाती हुई आई थी। बिरजू की मां ने एक तीखा जवाब खोज कर निकाला, लेकिन मन महसूस कर रह गई, गोबर की ढेरी में कौन ढेला फेंके। जीभ के झाल को गले में उतार कर बिरजू की मां ने अपनी बेटी चंपिया को आवाज दी, अरे चंपिया, आज लौटे तो तेरी मूड़ी मचोड़ का चूल्हे में झोंकती हूं, दिन दिन बेचाल होती जा रही है। गांव में तो अब थिएटर बायोस्कोप का गीत गाने वाली पतुरिया पुतहू सब आने लगी है, कहीं बैठ के बाजे न मुरलिया सीख रही होगी। हर जाई, अरे चंपिया। जंगी की पुतोह ने
बिरजू की मां की बोली का स्वाद लेकर कमर पर घड़े को संभाला और मटक कर बोले, चल दीदिया चल, इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती है, नहीं जानती दोपहर दिन और चौपहर रात बिजली की बत्ती भक भक जलती है। भक भक बिजली बत्ती की बात सुनकर न जाने क्यों सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। फुआ की टूटी हुई दंत पंक्तियों के बीच से एक मीठी गाली निकली, शैतान की नानी। बिरजू की मां की आंखों पर मानो किसी ने तेज टॉर्च की रोशनी डालकर चौंधिया दिया। भक भक बिजली बत्ती। 3 साल पहले सर्वे कैंप के बाद गांव की जलंडाही औरतों ने एक कहानी गढ़ के फैलाई थी। चंपिया की मां के आंगन में रात भर बिजली बत्ती भुकभुकाती रहती थी। चंपिया की मां के आंगन में नाक वाले जूते की छाप घोड़े की टाप की तरह, जलो जलो और जलो। चंपिया की मां के आंगन में चांदी जैसे पाट सूखते देखकर जलने वाली सब औरतें खनिहान पर सोनोली धान के बोझों को देखकर बैंगन का भुरता हो जाएंगी। मिट्टी के बर्तन से टपकते हुए छुआ गुड़ को उंगलियों से चाटती हुई चंपिया आई और मां के तमाचे खाकर चीख पड़ी, मुझे क्यों मारती है, सहुआइन जल्दी से सौदा नहीं देती है। सहुआइन जल्दी सौदा नहीं देती कि नानी, एक सहुआइन की दुकान पर मोती झड़ते हैं जो जड़गाड़ कर बैठी हुई थी, बोल गले पर लात देकर कल्ला तोड़ दूंगी हर जाई, जो फिर कभी बाजे न मुरलिया गाते सुना, चाल सीखने जाती है ट्यूशन की छोकरियों से। बिरजू की मां ने चुप होकर अपनी आवाज अंदाजी की, उसकी बात जंगी के झोपड़े तक साफ साफ पहुंच गई होगी। बिरजू बीती हुई बातों को भूल कर उठ खड़ा हुआ और धूल झाड़ते हुए बर्तन से टपकते हुए गुड़ को ललचाई निगाह से देखने लगा था। दीदी के साथ वो भी दुकान जाता तो दीदी उसे भी गुड़ चटाती जरूर। वो शकरकंद के लोभ में रहा और मांगने पर मां ने शकरकंद के बदले, हे मैया एक उंगली गुड़ दे दो ना। बिरजू ने तलहती फैलाई, दे ना मैया एक रत्ती। एक रत्ती क्यों, उठा के बर्तन को फेंक आती हूं पिछवाड़े में, जाके चाटना, नहीं बनेगी मीठी रोटी। मीठी रोटी खाने का मुंह होता है, बिरजू की मां ने उबले शकरकंद का सूप रोती हुई चंपिया के सामने रखते हुए कहा, बैठ के छिलके उतार नहीं तो भी। 10 साल की चंपिया जानती है कि शकरकंद छीलते समय कम से कम 12 बार मां उसे बाल पकड़कर झकझोरेगी, छोटी छोटी खोट निकालकर गालियां देंगी, पांव फैला के क्यों बैठी है उस तरह बेलज्जी। चंपिया मां के गुस्से को जानती है। बिरजू ने इस मौके पर थोड़ी सी खुशामद करके देखा, मैया मैं भी बैठकर शकरकंद छीलू। नहीं, मां ने झड़की दी, एक शकरकंद छीलेगा और 3 पेट में, जाके सिद्धू की बहू से कहो 1 घंटे के लिए कड़ाही मांग कर ले गई तो फिर लौटाने का नाम नहीं, जा जल्दी। मुंह लटकाकर आंगन से निकलते निकलते बिरजू ने शकरकंद और गुड़ पर निगाहें दौड़ाई। चंपिया ने अपने झवरे केश की ओर से मां की ओर देखा और नजर बचाकर चुपके से बिरजू की ओर एक शकरकंद फेंक दिया। बिरजू भागा, सूरज भगवान डूब गए, दिया बत्ती की बेला हो गई, अभी तक गाड़ी। चंपिया बीच में ही बोल उठी, कोरी टोले में किसी ने गाड़ी नहीं दी मैया, बप्पा बोले मां से कहना सब ठीक ठाक करके तैयार रहे, मलदहिया टोही के मियां जान की गाड़ी लेने जा रहा हूं। सुनते ही बिरजू की मां का चेहरा उतर गया, लगा छाते की कमानी उतर गई घोड़े से अचानक। कोयरी टोले में किसी ने गाड़ी मंगनी नहीं दी, तब मिल चुकी गाड़ी। जब अपने गांव के लोगों की आंख में पानी नहीं तो मलदहिया टोली के मियाजान की गाड़ी का क्या भरोसा, न 3 में न 13 में, क्या होगा शकरकंद छील का, रख दे उठाकर, ये मर्द नाच दिखाएगा, बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच दिखाने ले जाएगा। चढ़ चुकी बैलगाड़ी पर, देख चुकी जी भर नाच, पैदल जाने वाली सब पहुंचकर पुरानी हो जाएंगी। बिरजू छोटी कड़ाही सिर पर औंधा कर वापस आया, देख दीदिया मिलिट्री टोपी, इस पर 10 लाठी मारने से भी कुछ नहीं होता। चंपिया चुपचाप बैठी रही, कुछ बोली नहीं, जरा भी मुस्कुराई भी नहीं। बिरजू ने समझ लिया मैया का गुस्सा अभी उतरा नहीं है पूरे तौर से। मड़ैया के अंदर से बागड़ को बाहर भगाती हुई बिरजू की मां बड़बड़ाई, कल ही पंचकौड़ी कसाई के हवाले करती हूं राकस, हर चीज में मुंह लगाएगा। चंपिया बांध दे बागड़ को, खोल दे गले की घंटी, हमेशा टुनुर टुनुर, मुझे जरा भी नहीं सुहाता है। टुनुर टुनुर सुनते ही बिरजू को सड़क से जाती हुई बैलगाड़ियों की याद हो आई, अभी बबुआन टोले की गाड़ियां नाच देखने जा रही थी, झुनुर झुनुर बैलों की झुनकी, तुमने। अब बेसी बकबक मत करो,
बागड़ के गले से झुमकी खोलती हुई चंपिया बोली, चंपिया डाल दे चूल्हे में पानी, बप्पा आवे तो कहना कि अपने उड़न जहाज पर चढ़कर नाच देखा है। मुझे नाच देखने का शौक नहीं, मुझे जगइयो मत कोई, मेरा माथा दुख रहा है। मढ़ैया के ओसारे पर बिरजू ने फिसफिसा के पूछा, क्यों दीदिया, नाच में उड़न जहाज भी उड़ेगा? चटाई पर कथरी ओढ़कर बैठती हुई चंपिया ने बिरजू को चुपचाप अपने पास बैठने का इशारा किया। मुफ्त में मार खाएगा बेचारा। बिरजू ने बहन की कथरी में हिस्सा बटाते हुए चुक्की मुक्की लगाई। जाड़े के समय इस तरह घुटने पर ठुड्डी रखकर चुक्की मुक्की लगाना सीख चुका है वो। उसने चंपिया के कान के पास मुंह ले जाकर कहा, हम लोग नाच देखने नहीं जाएंगे, गांव में एक भी पंछी नहीं है, सब चले गए। चंपिया को तिल भर भी भरोसा नहीं। संझा तारा डूब रहा है, बप्पा अभी तक गाड़ी लेकर नहीं लौटे। एक महीना पहले से ही मैया कहती थी, बलरामपुर के नाच के दिन मीठी रोटी बनेगी, चंपिया छींट की साड़ी पहनेगी, बिरजू पैंट पहनेगा। बैलगाड़ी पर चढ़कर चंपिया की भीगी पलकों पर एक बूंद आंसू आ गया। बिरजू का दिल भी भर आया। उसने मन ही मन में इमली पर रहने वाले जिन बाबा को एक बैगन कबूला, गाछ का सबसे पहला बैगन जिसे खुद उसने रोपा है। जल्दी से गाड़ी लेकर बप्पा को भेज दो जिन बाबा। मढ़ैया के अंदर बिरजू की मां चटाई पर पड़ी करवटें ले रही थी। पहले से किसी बात का मंसूबा नहीं बांधना चाहिए किसी को, भगवान ने मंसूबा तोड़ दिया। उसको सबसे पहले भगवान से पूछना है कि ये किस चूक का फल दे रहे हो भोला बाबा। अपने जानते उसने किसी देवता पितर की मान मनौती बाकी नहीं रखी। सर्वे के समय उसने जमीन के लिए जितनी मनौतियां की थी ठीक ही तो, महावीर जी का रोड तो बाकी ही है। हाय रे देव, भूल चूक माफ करो महावीर बाबा, मनौती दूनी करके चढ़ाएगी बिरजू की मां। बिरजू की मां के मन में रह रहकर जंगी की पुतों की बातें चुभती है। भक भक बिजली बत्ती, चोरी चमारी करने वाली की बेटी पुतोह जलेगी नहीं। 5 बीघा जमीन क्या हासिल की है बिरजू के बप्पा ने, गांव की भाई खौकियों की आंखों में किरकिरी पड़ गई है। खेत में पाट लगाकर देखकर गांव के लोगों की छाती फटने लगी। धरती फोड़कर पाट लगा है, बैसाखी बादलों की उमड़ते आ रहे हैं पाट के पौधे। तो अलान तो फलान, इतनी आंखों की धार भला फसल सहे। जहां 15 मन पाट होना चाहिए, सिर्फ 10 मन पाट कांटा पर तौल के वजन हुआ भगत के यहां। इसमें जलने की क्या बात है भला। बिरजू के बप्पा ने तो पहले ही कुर्मा टोली के एक एक आदमी को समझा के कहा, जिंदगी भर मजदूरी करते रह जाओगे, सर्वे का समय हो रहा है, लाठी कड़े करो तो 2-4 बीघे जमीन हासिल कर सकते हो। गांव की किसी पुतखोगी का भतार सर्वे के समय बाबू साहब के खिलाफ खांसा भी नहीं। बिरजू के बप्पा को कम सहना पड़ा है। बाबू साहब गुस्से के सरकस नाच के बाघ की तरह उमड़ते रह गए। उनका बड़ा बेटा घर में आग लगाने की धमकी देकर गया। आखिर बाबू साहब ने अपने सबसे छोटे लड़के को भेजा, बिरजू की मां को मौसी कहकर पुकारा, ये जमीन बाबू जी ने मेरे नाम से खरीदी थी, मेरी पढ़ाई लिखाई उसी जमीन की ऊपर से चलती है। और भी कितनी बातें, खूब मोहना जानता है उत्ता जरा सा लड़का, जमींदार का बेटा है कि। चंपिया, बिरजू सो गए क्या? यहां आजा बिरजू अंदर, तू भी आजा चंपिया, भला आदमी आए तो एक बार आज। बिरजू के साथ चंपिया अंदर चली गई। डिबरी बुझा दे, बप्पा बुलाए तो जवाब मत देना, खपच्ची गिरा दे। भला आदमी रे भला आदमी, मुंह देखो जरा इस मर्द का। बिरजू की मां दिन रात मंझाना देती रहती तो ले चुके थे जमीन, रोज आकर माथा पकड़ के बैठ जाए, मुझे जमीन नहीं लेनी है बिरजू की मां, मजदूरी ही अच्छी। जवाब देती थी बिरजू की मां खूब सोच समझ के, छोड़ दो, जब तुम्हारा कलेजा है स्थिर नहीं होता है तो क्या होगा, जोरू जमीन जोर के नहीं तो किसी और के। बिरजू के बाप पर बहुत तेजी से गुस्सा चढ़ता है, चढ़ता ही जाता है। बिरजू की मां का भाग ही खराब है, जो ऐसा गोबर गणेश घरवाला उसे मिला। कौन सा शौक मौज कर दिया उसके मर्द ने, कोल्हू के बैल की तरह खटकर सारी उम्र काट दी इसके यहां। कभी 1 पैसे की जलेबी भी लाकर दी है उसके खसम ने। पाट का दाम भगत के यहां से लेकर बाहर ही बाहर बैलहट्टा चले गए। बिरजू की मां को 1 बार नमरी लोट देखने भी नहीं दिया आंख से, बैल खरीद लाए। उसी दिन से गांव में ढिंडोरा पिटने लगे कि बिरजू की मां इस बार बैलगाड़ी पर चढ़कर डायगिनास देखने, दूसरे की गाड़ी के भरोसे नाच दिखाएगा।
अंत में उसे अपने आप पर क्रोध आया। तो खुद भी तो कुछ कम नहीं, उसकी जीभ में आग लगे। बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच देखने की लालसा किसी कुसमय में उसके मुंह से निकली थी भगवान जाने। फिर आज सुबह से दोपहर तक किसी न किसी बहाने उसने 18 बार बैलगाड़ी पर नाच देखने की चर्चा छेड़ी है। लो खूब देख लो नाच, कथरी के नीचे दुशाले का सपना। कल भोरे पानी भरने के लिए जब जाएगी तो पतली जीभ वाली पतुरिया सब हंसती आएंगी और हंसती हुई जाएंगी। सभी चलते हैं उससे भाई। हाँ भगवान, दाढ़ी जार भी, दो बच्चों की मां होकर भी वो जस की तस है। उसका घरवाला उसकी बात में रहता है, वो बालों में गरी का तेल डालती है। उसकी अपनी जमीन है किसी के पास एक धूर जमीन भी इस गांव में? जलेंगे नहीं, 3 बीघे में धान लगा हुआ है अगहनी। अब लोगों की भीख दीट से बचे तब तो। बाहर बैलों की घंटियां सुनाई पड़ी। तीनों सतर्क हो गए, उत्कर्ण होकर सुनते रहे। अपने ही बैलों की घंटी है क्या रे चंपिया? चंपिया और बिरजू ने प्रायः एक ही साथ कहा। चुप, बिरजू की मां ने फिसफिसाकर कहा। शायद गाड़ी भी है, घड़घड़ाती है ना? दोनों ने फिर हुंकारें भरी। चुप, गाड़ी नहीं है। तुम जरा चुपके से टट्टी में छेद करके देख तो चंपी, भाग के चुप चुप। चंपिया बिल्ली की तरह हौले हौले पांव से टट्टी के छेद से झांक आई। हां मैया, गाड़ी भी है। बिरजू हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसकी मां ने उसका हाथ पकड़कर सुला दिया, बोले मत। चंपिया भी गुदड़ी के नीचे घुस गई। बाहर बैलगाड़ी खोलने की आवाज हुई। बिरजू के बाप ने बैलों को जोर से डांटा, आ गए घर। घर आने के लिए छाती फटी जाती थी। बिरजू की मां ताड़ गई, जरूर मलदैया टोली में गांजे की चिलम चढ़ रही थी। आवाज तो बड़ी खनखनाती हुई निकल रही है। चंपिया, बाहर से पुकार कर उसके बाप ने कहा, बैलों को घास दे दे चंपिया। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। चंपिया के बाप ने आंगन में आकर देखा ना, न रोशनी, न चिराग, न चूल्हे में आग। क्या बात है, नाच देखने उतावली होकर पैदल ही चली गई क्या? बिरजू के गले में खसखसाहट हुई और उसने रोकने की पूरी कोशिश भी की, लेकिन खांसी जब शुरू हुई तो पूरे 5 मिनट तक वो खांसता रहा। बिरजू बेटा, बिरजमोहन, बिरजू के बाप ने पुचकार कर बुलाया। मैया गुस्से के मारे सो गए क्या? अरे अभी तो सब लोग जा ही रहे हैं। बिरजू की मां के मन में आया कसकर जवाब दे, नहीं देखना है नाच, लौटा दो गाड़ी। चंपिया, अरे उठती का है नहीं, ले धान की पस्सी से रख दे। धान की बालियों का छोटा झब्बा झोपड़े के उसारे पर रखकर उसने कहा, दिया बराओ बराओ दिया। बिरजू की मां उठकर उसारे पर आई। ये 1:30 रात को गाड़ी लाने की क्या जरूरत थी, नाच तो अब खत्म हो रहा होगा। ढिबरी की रोशनी में धान की बालियों का रंग देखते ही बिरजू की मां के मन का सब मैल दूर हो गया। धानी रंग उसकी आंखों से उतरकर रोम रोम में धुल गया। अरे नाच अभी शुरू भी नहीं हुआ होगा, अभी अभी बलमपुर के बाबू की सपनी गाड़ी मोहनपुर होटल बंगला से हाकिम साहब को लाने गई है। अब इस साल आखिरी नाच है। 25 टट्टी में घोस दे, अपने खेत का है। अपने खेत का? उलझते हुए बिरजू की मां ने पूछा, पक गए धान? अरे नहीं, 10 दिन में अगहन चढ़ते चढ़ते लाल होकर झुक जाएंगे सारे खेत की बालियां। मलदैया टोली पर जा रहा था, अपने खेत में धान देखकर आंखें जुड़ा गई। सच कहता हूं 25 तोड़ते समय उंगलियां कांप रही थी मेरी। बिरजू ने धान की एक बाली से एक धान लेकर मुंह में डाल लिया और उसकी मां ने एक हल्की डांट दी, अरे कैसा लुक्कड़ है रे तू, इन दुश्मनों के मारे कोई नेम धर्म न बचे। क्या हुआ, डांटती क्यों है? अरे नवान्न के पहले ही नया धान उठा दिया, देखते नहीं है? अरे इन सब का सब कुछ माफ है, चिराई चुनमुन है ये लोग, दोनों के मुंह में नवान्न के पहले नया नन न पड़े। इसके बाद चंपिया ने भी धान की बाली से 2 धान लेकर दांतों तले दबाए। ओ मैया, इतना मीठा चावल और गमकता भी है ना दीदिया। बिरजू ने फिर से मुंह में धान लिया। रोटी पोटी तैयार हो चुकी है क्या? बिरजू के बाप ने मुस्कुरा कर पूछा। नहीं, मान भरे सुर में बोली बिरजू की मां, जाने का ठीक ठिकाना नहीं और रोटी बनाती। अरे वाह, खूब हो तुम लोग, जिसके पास बैल है उसको गाड़ी मंगनी नहीं मिलेगी क्या? अरे गाड़ी वालों को भी तो कोई बैल की जरूरत होगी, पूछूंगा तब कोरी टोला वालों से। दे जल्दी से रोटी बनाओ, देर नहीं होगी। अरे
टोकरी भर रोटी तो तू पलक मारते बना देती है, 5 रोटी बनाने में कितना देर लगेगी। अब बिरजू के मां के होठों पर मुस्कुराहट खुलकर खिलने लगी। उसने नजर बचाकर देखा, बिरजू का बप्पा उसकी ओर एकटक निहार रहा है। चंपिया और बिरजू ना होते तो मन की बात हंसकर खोलने में देर नहीं लगती। चंपिया और बिरजू ने एक दूसरे को देखा और खुशी से उनके चेहरे जगमगा उठे। मैया बेकार गुस्सा हो रही थी ना चंपी, जरा घेलसार में खड़ी होकर मखनी बुआ को आवाज तो दे। ए फुआ, सुनती हो फुआ, मैया बुला रही है। फुआ ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उनकी बड़बड़ाहट स्पष्ट सुनाई दी। हाँ, अब फुआ को क्यों गुहारती है, सारे टोले में एक फुआ ही तो बिना नात पगहिया वाली है। अरे फुआ, बिरजू की माँ ने हंसकर जवाब दिया, उस समय बुरा मान गई थी क्या, नात पगहिया वाले को आकर देखो, दोपहर रात में गाड़ी लेकर आया है। आ जाओ फुआ, मैं मीठी रोटी पकाना नहीं जानती। फुआ कांखती खांसती आई, इसी के घड़ी पहर दिन रहते पूछ रही थी कि नाच देखने जाएगी क्या, कहती तो मैं पहले ही अपनी अंगीठी यहां सुलगा जाती। बिरजू की माँ ने फुआ को अंगीठी दिखला दी और कहा कि घर में अनाज दाना वगैरह कुछ है नहीं, एक बागड़ है और कुछ बर्तन वासन, सो रात भर के लिए यहां तंबाकू रख जाती हूं, अपना हुक्का ले आई हो ना फुआ। फुआ को तंबाकू मिल जाए तो रात भर क्या, 5 रात बैठकर जाग सकती है। फुआ ने अंधेरे में टटोल कर तंबाकू का अंदाज किया। ओहो, हाथ खोल कर तंबाकू रखा है बिरजू की माँ ने, और एक वो है सहुआइन, राम कहो, उस रात को अफीम की गोली की तरह एक मटर भर तंबाकू रख कर चले गई गुलाब बाग के मेले में, कह गई कि डिब्बी भर तंबाकू है। बिरजू की माँ चूल्हा सुलगाने लगी, चंपिया ने शकरकंद को मसल कर गोले बनाए और बिरजू सिर पर कड़ाही औंधा कर अपने बाप को दिखलाने लगा, मिलिट्री टोपी, इस पर 10 लाठी मारने से भी कुछ नहीं होगा। सभी ठटाकर हंस पड़े। बिरजू की मां हंसकर बोली, ताके पर 3-4 मोटे शकरकंद हैं, दे दो बिरजू की चंपिया, बेचारा शाम से ही। अरे बेचारा मत कहो मैया, खूब सचा रहा है। अब चंपिया चहकने लगी, तुम क्या जानो कथरी के नीचे मुंह क्यों चल रहा था बाबू साहब का। बिरजू के टूटे दूध के दांतों की फांक से बोली निकली, ब्लैक मार्टिन में 5 शकरकंद खा लिया, हा हा हा। फिर सभी ठटाकर हंस पड़े। बिरजू की माँ ने फुआ का मन रखने के लिए पूछा, एक कनवा गुड़ है, आधा दूं फुआ। फुआ ने गदगद होकर कहा, अरे शकरकंद तो खुद मीठा होता है, उतना क्यों डालेगी। जब तक दोनों बैल दाना घास खाकर एक दूसरे की देह को जीभ से चाटे, बिरजू की माँ तैयार हो गई। चंपिया ने छीट की साड़ी पहनी और बिरजू बटन के अभाव में पैंट पर पटसन की डोरी बंधवाने लगा। बिरजू की माँ ने आंगन से निकलकर गांव की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा की, इतनी देर तक भला पैदल जाने वाले रुके रहेंगे, पूर्णिमा का चांद सिर पर आ गया है। बिरजू की माँ ने असली रूपा का मंग टिक्का पहना है आज पहली बार। बिरजू के बप्पा को हो क्या गया है, गाड़ी जोतता क्यों नहीं, मुंह की ओर एक टक देख रहा है, मानो लाल नाच की लाल पान की। गाड़ी पर बैठते ही बिरजू की माँ की देह में एक अजीब गुदगुदी लगने लगी। उसने बांस की बल्ली को पकड़कर कहा, गाड़ी पर अभी बहुत जगह है, जरा दाहिनी सड़क से गाड़ी हाँकना। बैल जब दौड़ने लगे तो पहिया जब चूचू करके घरघराने लगा तो बिरजू से रहा नहीं गया, उड़न जहाज की तरह उड़ाओ पप्पा। गाड़ी जंगी के पिछवाड़े पहुंची। बिरजू की माँ ने कहा, जरा जंगी से पूछो ना, उसकी पुतौ नाच देखने चली गई है क्या। गाड़ी के रुकते ही जंगी के झोपड़े से आती हुई रोनी की आवाज स्पष्ट हो गई। बिरजू के पप्पा ने कहा, अरे जंगी भाई, कहे कन्ना रोहट हो रहा है आंगन में। जंगी घूर ताप रहा था, बोला, क्या पूछते हो, रंगी बलरामपुर से लौटा नहीं, अब पुतोहिया नाच देखने कैसे जाए, आसरा देखते देखते उधर गांव की सभी औरतें चली गई। अरे ट्यूशन वाली तो रोती है काहे, बिरजू की माँ ने पुकार कर कहा, आजा झट से कपड़ा पहनकर, सारी गाड़ी पड़ी हुई है बेचारी, आजा जल्दी। बगल के झोपड़े से राधे की बेटी सुंदरी ने कहा, काकी गाड़ी में जगह है, मैं भी जाऊंगी। बांस की झाड़ी के उस पार लरेना खवास का घर है, उसकी बहू भी नहीं गई है, गिलेट का झुमकी कड़ा पहनकर झमकती चली आ रही है, आजा, जो बाकी रह गई है सब आए जल्दी से। जंगी की पुतोहू, लरेना की बीवी और राधे की बेटी सुनरी तीनों गाड़ी के पास आई। बैल ने पिछला पैर फेंका, बिरजू के बाप ने एक भद्दी गाली दी, साला लताड़ मारकर लंगड़ी बनाएगा पुतोह को,
सभी ठटाकर हंस पड़े। बिरजू के बाप ने घूंघट में झुकी दोनों पुतहुओं को देखा, उसे अपने खेत की झुकी हुई बालियों की याद आ गई। जंगी की पुतहू का गौना 3 ही महीने पहले हुआ है। गौने की रंगीन साड़ी से कड़वे तेर और लठवा सिंदूर की गंध आ रही है। बिरजू की मां को अपने गौने की याद आई। उसने कपड़े की गठरी से 3 मीठी रोटियां निकालकर कहा, खा ले एक एक करके, सिमरा के सरकारी कुप में पानी पी लेना। गाड़ी गांव से बाहर होकर धान के खेतों के बगल से जाने लगी। चांदनी कार्तिक की, खेतों से धान के झरते फूलों की गंध आती है। बांस की गाड़ी में कहीं दुद्धि की लता फूली है। जंगी की पुतहू ने एक बीड़ी सुलगाकर बिरजू की मां की ओर बढ़ाई। बिरजू की मां को अचानक याद आई, चंपिया, सुनरी, लरेना की बीवी और जंगी की पुतहू, ये चारों ही गांव में बैसखूफ का गीत गाना जानती हैं, बहुत खूब। गाड़ी की लीक धनखेतों के बीच से होकर गई। चारों ओर गौने की साड़ी की खसखसाहट जैसी आवाज होती है। बिरजू की मां के मांगथे के मंगटिके पर चांदनी छिटकती है। अच्छा, अब बैस्कोप का एक गीत तो का चंपिया, डरती है का है, जहां भूल जाओगी बगल में मास्टरनी बैठी ही है। दोनों पुतहुओं ने तो नहीं, लेकिन चंपिया और सुनरी ने खार गला साफ किया। बिरजू के बाप ने बैलों को ललकारा, चल भैया और जरा जोर से गा रहे चंपिया, नहीं तो मैं बैलों को धीरे धीरे चलने को कहूंगा। जंगी की पुतहू ने चंपिया के कान के पास घूंघट ले जाकर कुछ कहा और चंपिया ने धीमे से शुरू किया, चंदा की चांदनी। बिरजू को गोद में लेकर बैठी उसकी मां की इच्छा हुई कि वो भी साथ साथ गीत गाए। बिरजू की मां ने जंगी की पुतहू की ओर देखा, धीरे धीरे गुनगुना रही है वो भी, कितनी प्यारी पुतहू है, गौने की साड़ी से खास किस्म की गंध निकलती है। ठीक ही तो कहा उसने, बिरजू की मां बेगम है, लालपान की बेगम, ये तो कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, वो सचमुच लालपान की बेगम है। बिरजू की मां ने अपनी नाक पर दोनों आंखों को केंद्रित करने की चेष्टा करके अपने रूप की झांकी ली। लाल साड़ी की झिलमिल किनारी, मंग टिक्का पे चांद। बिरजू की मां के मन में अब और कोई लालसा नहीं, उसे नींद आ रही है। बस इतनी सी ये थी कहानी, जिसका शीर्षक था लाल पान की बेगम, जिसे लिखा था मशहूर कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु ने। और ये जो आवाज आप सुन रहे थे, ये थी मंजीत ठाकुर के। नमस्कार।